क्यों आधी से ज्यादा शूटिंग करने के बाद फिल्म से निकाल दिए गए थे अमिताभ बच्चन। दिलचस्प है किस्सा। ये वाक्या उस दौरान का है जब अमिताभ बच्चन इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे। उस वक्त उनकी पहली फिल्म साथ हिंदुस्तानी रिलीज हो चुकी थी और वो अगली फिल्म की तलाश में थे। इसके बाद 4 साल के लंबे गैप के बाद अमिताभ बच्चन को जंजीर मिली। इस फिल्म से वो रातों रात स्टार बन गए थे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सुपरहिट फिल्म देने के बाद भी बिग बी को फिल्मों में अच्छे रोल ऑफर नहीं हो रहे थे। इस फिल्म के बाद भी एक्टर ने काफी संघर्ष किया था। फिर उन्हें एक फिल्म मिली लेकिन उसमें वो ज्यादा वक्त टिक नहीं पाए। दरअसल ये फिल्म थी दुनिया का मेला, जिसमें पहली बार अमिताभ एक्ट्रेस रेखा संग नजर आने वाले थे। इस फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन और रेखा को कास्ट कर लिया गया। फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई, कई सीन और गाने फिल्मा लिए गए। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि बिग बी को फिल्म से बाहर कर दिया गया। IMDb.com की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का मेला से अमिताभ को रिप्लेस करके एक्टर संजय खान को ले लिया गया था। इसके पीछे की वजह यह थी कि डिस्ट्रीब्यूटर्स ने डायरेक्टर कुंदन पर दबाव डाला था कि वो अमिताभ को फिल्म से हटा दें, अगर ऐसा नहीं होगा तो वो फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे। दरअसल उस वक्त अमिताभ बच्चन इंडस्ट्री में नए थे। ऐसे में डिस्ट्रीब्यूटर्स को लग रहा था कि अगर वो इस फिल्म में काम करेंगे तो ये फ्लॉप हो जाएगी, इसलिए बिग बी की जगह संजय खान को दे दी गई। इसका नतीजा ये निकला कि दर्शकों ने रेखा और संजय की जोड़ी को सिरे से नकार दिया। ये फिल्म रिलीज के बाद बुरी तरह से फ्लॉप रही। इसको लेकर अमिताभ बच्चन ने अपने एक इंटरव्यू में बात की थी। एक्टर ने कहा था कि मुझे उस बात का अब कोई अफसोस नहीं है। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करें, और हाँ, ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आपका दिन मंगलमय शुभ हो।